का फिर से एक नई क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की नरेशन की ये हमारी चौथी क्लास है। तीन क्लास को मैं पहले दे चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तीनों को दे सकते हैं। ये चौथी क्लास है, चल देखते हैं। ये है जो मैंने दो टेंसों को जो चेंजमेंट बता चुका हूँ, जो आगे टेंस हैं उन सब के बारे में वन बाई वन करके आपको दिखाएंगे कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो ये मैंने सारे सेंटेंस जो लिखा है ये सारे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट अभी इसमें नहीं है। इसको हम देखेंगे कौन सा टेंस है और किसमें परिवर्तन किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम। अमित सेड टू मी रामा हैज डन द वर्क, ये है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने वाला नियम। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने वाला नियम, तो इसको देखते हैं बनाते हैं इसमें कैसे बदलता है, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और उसमें भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में इसको बदलेंगे, देखेंगे। अमित सेट टू को बदलते हैं टोल्ड में, किसे बदलते हैं सेट टू को टोल्ड में। तो अमित टोल्ड मी कॉमा एबड कॉमा जगह पर डेट का प्रयोग करते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत है दैट। अब रामा है, क्योंकि ये अमित सेट टू मी रामा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तीसरे की बात कर रहा है, अभी दोनों आपस किसी तीसरे की बात करते हैं तो सब्जेक्ट या उसका पजेसिव केस परिवर्तन नहीं होता है। तो रामा का रामा लिख देंगे रामा। अब हैज है, हैज को परिवर्तन कर देंगे हैड में, तो बाकी सब सेम लिख देंगे। डन द वर्क, अमित टोल्ड मी दैट रामा हैड डन द वर्क, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था तो उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। इसको देखेंगे ये किस में है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन यहाँ सिंगुलर था, ये प्लूरल है, तो इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तन कर देंगे। जैसे रामा टोल्ड हिम दैट कॉमा एवड कॉमा जगह पर क्या लगा देंगे हम दैट लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट आई है वो कौन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। तो मैं पहले बता दूँ ये आई है तो कौन है, तो इसके हिसाब से बदला जाएगा, इसके हिसाब से आई रंग सरसों राम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना देंगे उसको हम प्रोनाउन बना देंगे, बना दिया मैंने प्रोनाउन बना दिया। तो ही अब क्या हो जाएगा हैड कंप्लीटेड, अब ये माई है ना, तो कौन है राम, आई संगे माई लगाया है तो इसमें क्या हो जाएगा हिज बर्थ, आई का पजेसिव केस माई था तो जब यहाँ पर ही हो गया तो ही का पजेसिव क्या बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसी का दिया है आई का माई ही का हिज हो गया है तो यहाँ पर बन गया है। आप देखेंगे ये कौन से टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, किसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सारा टेंस को निचोड़ आज इस वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा ताकि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो सरता सेड टू मोहन, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, द गर्ल यहाँ क्या हो जाएगा द गर्ल, यहाँ पर लिखे द गर्ल। सरता सेड टू मोहन द गर्ल हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसको परिवर्तन कर देंगे सरता टोल्ड मोहन दैट, सरता टोल्ड मोहन दैट, उसके बाद थर्ड पर्सन है द गर्ल, द गर्ल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परिवर्तन कर देते हैं। तो द गर्ल हैड बीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, द गर्ल हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्राइंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परिवर्तित
कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप फ्यूचर को कैसे बदलेंगे, फ्यूचर टेंस को किस प्रकार बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टर पार्ट फ्यूचर टेंस में है तो कैसे बदलेंगे, तो विल का वुड और सेल का शुड, विल बी का वुड बी और सेल बी का शुड बी, इस प्रकार से हम करते हैं। माने देखेंगे आई टोल्ड कुमार, आई टोल्ड कुमार डेट, आई है रिपोर्टिव पार्ट का आई सब्जेक्ट है और रिपोर्टिव वर्ब में भी आई है तो उसको परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ सब्जेक्ट एक ही है। तो क्या लिख देंगे हम, आई का आई लिख देंगे। तो ये ना सेल का हो जाए आई सेल और सेल का शुड, आई शुड नॉट, क्या हो गया आई शुड नॉट गो देयर। नॉर्मल रूप सरल रूप में इसको हम आई विल का प्रयोग करते हैं कभी कभी, सरल तौर पर आई विल का प्रयोग हम करते हैं। तो आई शुड नॉट गो देयर बन गया। अब ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, वो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेल का शुरू कर दिया, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। देखेंगे दीपू, दीपू टोल्ड नीलू, दीपू टोल्ड नीलू दैट कॉमा एंड कॉमा जो लग दिया मैंने दैट कर दिया है। तो प्रमोद विल बी प्लेइंग हॉकी, तो ये विल है किसने पढ़ो पास्ट टेंस में, विल का पास्ट होता है वुड, तो दैट प्रमोद, प्रमोद वुड बी, प्रमोद वुड बी प्लेइंग हॉकी, प्रमोद वुड बी प्लेइंग हॉकी, प्रमोद विल बी प्लेइंग हॉकी। ये सारे सारे चेंजमेंट हैं जो एक टेंस का दूसरे टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस ऐसा है जिसकी सहायक क्रिया उसी में पास्ट टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। पास्ट में बिल का वुड सेल का शुड, ठीक है, तो ये इसमें का चेंज नहीं होता है उसी का, उसी में सेल का शुड और वुड बिल का वुड होता है। जैसे अब देखिए हम ये टेंस हमारा है सी सैड, ही सैड द हॉर्स डेड इन द नाइट, हमारा नियम आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर का जो फिनिश हो गया अब हमारा आता है पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में ही परिवर्तन करना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग पार्ट भी पास्ट टेंस में है तो किस प्रकार परिवर्तन हम करते हैं, देखेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट भी हमारा पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं। देखेंगे कैसे, तो ही said that, he said that, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम टोल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, खाली सब्जेक्ट दिया हो वर्ब दिया हो तो टोल्ड ना कर कर ही said that देख लेते हैं। he said that the horse, द हॉर्स, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है साहब, द हॉर्स डेड इन द नाइट, घोड़ा रात में मर गया, तो क्या करें पास्ट परफेक्ट में हैड डाइड इन द नाइट, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में भी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग पार्ट भी पास्ट टेंस में है तो नियम इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से टेंस का चेंज होता है। जैसे सी सेड सीता वाज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें क्या है, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दोनों पास्ट हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं। जैसे नियम कहता है रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड दैट ही लिख देते हैं, उसी सैड सी सैड दैट, सी सैड दैट सीता वाज
थर्ड पर्सन है सीता, तो ये पर्सन नहीं होगा क्योंकि सी किसी दूसरी बात कर रहा है, लड़की लड़की बात कर रहा है। तो सीता वाज, सीता हैड बीन राइटिंग सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने परिवर्तन कर दिया। यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का नियम कहता है। जो द टीचर सेड द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 PM। अब इसका कैसे बनेगा, सब बाकी सब हेड लग चुका है, हेड लग चुका है, अब इसका कोई पता नहीं। इसका नियम यह कहता है कि पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि डायरेक्ट है रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में और रिपोर्टर पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, तो टेंस चेंज नहीं किया जाता है। तो वैसे वैसे हम लिख देते हैं द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट द फार्मर, बाकी सबसे क्या कर देंगे, सेम पूरा कर देंगे हम, कुछ भी लिखेंगे इसमें। द फार्मर हैड बीन रिटर्न बिफोर 6 PM, जो ऊपर लिखा है पुरुष को हम नीचे उतार देंगे। तो ऐसे इसी प्रकार से एक और हमारा टेंस है, इसको देखेंगे हम। जैसे है अब ये हैड बीन, जैसे राम सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सीमा हैड बीन प्लेइंग प्लेइंग सिंस मॉर्निंग राम सैड सीमा हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका नियम कहता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी किसी टेंस में चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही वैसा हम यहाँ पर लिख देंगे राम सेड दैट बाकी सीमा हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ये हमारा जो टेंस था ये सारा खत्म हो गया। अब बचता है मॉडल का। यदि नियम किस पढ़ते होंगे, जैसे यदि रिपोर्टिंग पार्ट में कोड सोड बोर्ड माइट अगर ये सारे मिलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर, तो टेंस का चेंज नहीं होता है। माइट का माइट या बुड का बुड ही लिख देते हैं। कैन का जैसे मे का माइट, कैन का कोड, बिल का बुड, सेल का सुड, इसी प्रकार से सुड का सुड रहता है, बुड का बुड ही रहता है और माइट का माइट ही रहता है जब भी हम टेंस आगे बनाते हैं। तो ये सारे टेंस हैं जो आपने देखे यहाँ पर सीखे, तो इसके ध्यान से पढ़िए ताकि आगे आपको कोई समस्या ना हो। तो धन्यवाद देखने के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे इस चैनल को ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।